फाली छात्रों, कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का यहाँ पे आपका 20 सितंबर का क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा सोल्यूशन सहित आपका लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तभी आप यहाँ पे विज्ञान के पेपर में गर्दा उड़ा देंगे। पूरे 75 अंकों का पेपर और इसका सोल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए फटाफट यहाँ पे देखते हैं, निर्देश पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आपका आता है सही विकल्प वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में आपको जो दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो देखिए आपको क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? आपको बताना है 2, 3, 9 या फिर आपका 7। तो देखिए आपको जो आंसर है ना, यहाँ पे आपको करना है सिंपल तरीके से आपका। देखिए यहाँ पे आपको 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव्य और गैस होती हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन सेकंड आता है, एक कोशिका से 2 या 2 से अधिक कोशिका का बनना कहलाता है? देखिए कोशिका वृद्धि, कोशिका विकास, कोशिका परिवर्धन या फिर कोशिका विभाजन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जो तीसरा आता है, यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन आपका जो सेकंड है ना, इसकी आंसर की बात करें तो आपको इसमें देखिए 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है कोशिका विभाजन। मोमबत्ती का जलना क्या है? क्या आपका केवल भौतिक परिवर्तन है, केवल रासायनिक परिवर्तन है या फिर आपका आकार की परिवर्तन या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए सिंपल सा आपको आंसर करना है, थर्ड नंबर का यहाँ पे आपको जो आंसर हो जाएगा केवल आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आपको ये करना है क्योंकि देखिए मोमबत्ती आपका एक बार पिघल गया, ठीक है, जल गया, तो उससे क्या है पुनः आप मोमबत्ती यहाँ पे बना नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या है रासायनिक परिवर्तन करना है। इसके बाद देखिए क्या दिया गया है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आवेग, चाल, त्वरण या फिर आपका देखिए विस्थापन। तो देखिए सिंपल सा आंसर है, चौथे का आपका जो आंसर है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। इसमें देखिए चौथे का आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए इसमें परिवर्तन की दर बहुत सिंपल है आपका, यहाँ पे आपको करना है त्वरण। ठीक है, एक्सीलरेशन बोलते हैं इसको। पांचवा देखिए, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुता आपका 2 होती है? आर्गन और हेडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, फास्फोरस या फिर आपका देखिए उपरोक्त सभी। तो देखिए परमाणुता क्या होती है आपका, देखिए 2 आर्गन देखिए 18 होता है, हीलियम का 2 होता है, ठीक है 2 18 इसमें तो आपका होगा नहीं, लेकिन ऑक्सीजन का देखिए आपका इसमें क्या होता है 8 होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 और अगला कक्षा देखिए आपको यहाँ पे सिंपल समझने वाली बात क्या है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये देखिए ये रहा आपका यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपका होता है 8 होता है, और इसी के साथ देखिए आपका हाइड्रोजन का, आपका यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन यानी आपका H होगा, इसका आपका होता है 2। अब सिंपल सा देखिए यहाँ पे आपका जो है इसमें तो आपका 2 है प्लस है, इसको मान जाएगा, और इसको देखिए यहाँ पे ये किसी को दे सकता है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो देखिए 2 पहले कक्षा में 2 जाएगा, दूसरे में 6, घटा कितना है आपका यहाँ पे माइनस 8 यानी अष्टक पूरा करने के लिए 2 बचा है, यानी इसकी परमाणुता आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो आपको वन नंबर करना है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण या फिर आपका देखिए न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, भिन्न रासायनिक गुण या फिर आपका भिन्न परमाणु संख्या। तो देखिए सिंपल सा आंसर है, छठे का आपका जो आंसर कर देना इसमें न्यूट्रॉन की आपका अलग अलग संख्या हो जाएगा। ठीक है, समस्थानिक क्या होते हैं यहाँ पे, प्रोटॉन की संख्या आपका अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका दूसरे में आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ पे। ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे, ये रहा। तो देखिए क्या दिया है, 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, बर्फ का गलनांक कितना आपका यहाँ पे केल्विन होता है आपको बताना पड़ेगा। तो आपको देखिए इसमें आपको 273 केल्विन लिखना है। ठीक है, 273 आप यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इतना ही आंसर लिखना है। और इसके बाद देखिए समसूत्री विभाजन डैश डैश कोशिकाओं में होती है, तो आपको यहाँ पे आंसर कर देना है यहाँ पे कायिक कोशिका में। ठीक है, कायिक, तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पे कायिक कोशिका। गति की मापन की इकाई क्या होती है? तो चौथे का आपका जो आंसर देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड करना है। इसके बाद निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह डैश डैश कहलाता है। तो पांचवे का आपको जो देखिए आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसमें आपका देखिए यहाँ पे हो जाएगा बहु परमाणुक आयन। ठीक है, लिख दीजिएगा बहु परमाणुक। ठीक है, परमाणुक लिखना है और इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है आयन। ठीक, आप ये कर दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का क्या करते हैं? तो आपको बताना है परिवहन करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे परिवहन लिख देना है। इसके बाद देखते हैं, देखिए कॉपी पर अच्छे से लिख लेना, और चैनल पर पहली बार बीच कर रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल आपको दिल से लाइक करना है। ठीक है, क्योंकि जीत मिडिल क्लास आपके लिए मेहनत कर रहा है जिससे आपको हर एक वीडियो का सब कुछ आंसर मिलते रहे। 6 नंबर का देखिए आपको सही जोड़ी बनाकर लिखना है, संयोजी ऊतक। तो आपको देखिए मिलाना किसमें है यहाँ पे, स्तंभ आंख स्तंभा से, तो संयोजी आपका जो ऊतक है ना ये आपका कहला जाएगा, कौन सा हो जाएगा देखिए यहाँ पे
सिंपल सा हो जाएगा आपका रक्त, ठीक है। रक्त आपका संयोजी ऊतक कहलाता है, टिश्यू, और यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में। पत्तियों से भोजन का परिवहन किस में होता है, देखिए तो आप जानते हैं, एक आपका होता है जाइलम, तो आपका यहाँ पे, और एक होता है फ्लोएम, तो फ्लोएम करेगा आपका पत्तियों से भोजन का परिवहन करेगा, और फ्लोएम तो आप हो गया, और जाइलम होता है जड़ से आपका तने तक का। और तंत्रिका ऊतक क्या है, देखिए तंत्रिका आपका जो ऊतक है ना, ये आपका सिंपल सा है, आपका न्यूरॉन्स हो जाएगा। और इसी के साथ क्लोरोप्लास्ट क्या, देखिए तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है आपका प्रकाश संश्लेषण में पाया जाता है। और राइबोसोम देखिए क्या है, आपका प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसको। और तंत्र आपका किस में होता है, आपका धातु में होता है। तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है। इसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे एक शब्द या एक वाक्य पे उत्तर देना है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या आपका मान होगा। तो आपको देखिए एक शब्द में उत्तर कैसे आपको देना है, तो आपको यहाँ पे देखिए सेल्सियस में आपका मान क्या होगा, आपका 27 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको सिंपल सी बात है, 273 में 300 में आप 273 घटा दीजिएगा, एक केल्विन का मान निकलेगा आपको 273 आपका जो है ना, देखिए 200 अगर एक सेल्सियस की बात करें तो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो आपको यह 27 डिग्री सेल्सियस होगा, वह बिलियन जिसमें, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, 273 आपका जो केल्विन होता है ये आपका होता है 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर, ठीक। अब देखिए 300 केल्विन दिया है, तो 300 केल्विन हम क्या करेंगे, 273 माइनस कर देंगे, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 डिग्री ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए आपको यहाँ पे कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया ना, तो आपको यहाँ पे वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतप्त होती है उसे कहते हैं आपका, देखिए असंतप्त कहते हैं, असंतप्त, ठीक है। अगला देखिए कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो आपका देखिए स्लीडन आपको लिखना है, स्लीडन एवं स्वान, ये देखिए इनका वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। देखिए कोशिका की खोज की अगर बात होती तो आप लिख दीजिए रॉबर्ट हुक लिखते है ना, 1665 में इन्होंने खोज किया था, लेकिन कोशिका की खोज की बात नहीं हो रही, कोशिका सिद्धांत की बात कर रहा है, ठीक है। सेल आपका यहाँ पे थ्योरी की बात कर रहा है। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो लाल रुधिर कणिकाओं का आपका जीवन काल 120 दिन होता है। इसी प्रकार देखिए एक गाड़ी को ओडोमीटर किसका मापन करता है, तो एक गाड़ी का आपका जो ओडोमीटर है ना, ये देखिए आपका यहाँ पे चली गई दूरी के मापन करता है, ठीक है। चली गई दूरी किसका, गाड़ी का है ना, तो आपको यहाँ पे ये देखिए चली गई दूरी का। और इसी के साथ देखिए आपको यहाँ पे लिख देना है अव्यगोद्रु संख्या का मान क्या होता है, तो देखिए आपको यहाँ पे हो जाता है आपका 6 पॉइंट, इसके बाद आपको लिखना है 0 2 2, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर देते आपका ऊपर है ना, गुणा आपको 10 लिखना है, और इसका पावर आपको कर देना है देखिए 23 करना है, ठीक है। इस प्रकार आपका यहाँ पे हो जाएगा अव्यगोद्रु संख्या। अब इसके बाद देखिए आपका आता है सत असत वाले क्वेश्चन आते हैं, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। 6 नंबर क्वेश्चन कि आपका सत्य है, तो देखिए आपको इसमें सत्य करना है, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे सत्य है, नियमित और अत्यधिक तीव्र होती है गैसीय अवस्था में। कोई चीज देखो गैस बहुत तेज भागता है आपका, ठीक है, एक स्थान दूसरे स्थान तक यहाँ पे भाग जाते हैं, क्योंकि उससे कण बहुत दूर दूर होते हैं, ठोस का एकदम कण पास पास होते हैं है ना, और द्रव का थोड़ा सा और गैस का सबसे दूर दूर होते हैं। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले तो क्या होते हैं, देखिए तो दूसरे का आपका जो आंसर है ना, यहाँ पे आपको इसमें सत्य करना है, ठीक है। ये होता है मिश्रण में कोशिका जीवन की संरचना और क्या आपका संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई नहीं है, है भैया, इसलिए आपको यहाँ पे सत्य करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्यारे रसगुल्लू वेग में परिवर्तन की दर क्या आपका औसत वेग कहलाता है, तो वेग में परिवर्तन की दर आपका त्वरण कहलाता है, तो आपका ये भी सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए आपका कैल्शियम का परमाणु क्या द्रव्यमान 40 होता है, तो कैल्शियम अगर देखा जाए ना, तो कैल्शियम का आपका यहाँ पे ये आपका देखिए सही होता है, क्योंकि देखिए कैल्शियम का आपका जो परमाणु क्रमांक क्या होता है 20 होता है, और द्रव्यमान उसका डबल होता है, 2 × 40 जाएगा, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। इसी बात देखिए रक्त एवं प्लाज्मा संबंधी के आपका संयोजी ऊतक है, तो रक्त और प्लाज्मा के आपके संयोजी ऊतक है, तो क्या आपका कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल आपका है, तो आपको यहाँ पे इसको भी सत्य करना है, क्योंकि देखिए आपका ऑब्जेक्टिव भी आया था यहाँ पे, ये देखिए याद आया था ना संयोजी ऊतक, तो आपका यहाँ पे लिखा था आपने रक्त लिखा था, क्योंकि आपका एक कनेक्टिव टिश्यू आपका जो है आपका रक्त में होता है। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर आप 6 पे चलते हैं, क्या दिया गया है, दिया गया है ठोसों की अपेक्षा में द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए मैं आपको इसका आंसर आपको देता हूँ, यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा, ये देखिए आपको मैं आंसर दे रहा हूँ, क्वेश्चन 6 का आंसर आपको यहाँ पे ये लिख देना है, ये देखिए क्वेश्चन 6 का आंसर आपको ये मिल जाएगा, लिखना है ठोसों की अपेक्षा में द्रवों का विसरण दर आपका अधिक होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होते हैं। मैंने बताया था आपका आपका ठोस तो होता है सबसे पास पास होंगे उसके कण, फिर इसके बाद आपका द्रव का, फिर गैस गैस का सबसे दूर होता है,
अथवा देखिए उधरपातन किसे कहते हैं, एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए, यह गुण किसमें पाया जाता है। देखिए उधरपातन आपका जो होता है यह प्रक्रिया द्रव अवस्था में नहीं होती है। उधरपातन का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस को, पदार्थ को जब आप गर्म करते हैं ना तो सीधे द्रव में नहीं, ठंडा करने पर, देखिए आपको यहाँ पे सीधे द्रव में और ठंडा करने पर फिर से ठोस अवस्था में आ जाए, ये कहलाता है। जैसे देखिए कपूर और नेपथेलिन, कपूर को आप क्या करेंगे गर्म करेंगे तो यहाँ पे वाष्प बन जाता है और यहाँ पे इस प्रकार से उधरपातित हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उधरपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन देखिए 7वां, परमाणु से क्या समझते हैं और आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो देखिए परमाणु शब्द का मूल अर्थ होता है वह कण जिसे छोटे छोटे कणों में विभाजित ना किया जा सके, वो होता है परमाणु। बहुपरमाणिक आयन किसे कहते हैं, देखिए तो 7 का आपको अथवा का आंसर देखने से पहले अगर आपको देखिए इसका आपको पूरा PDF चाहिए ना, तो PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको इसका आंसर दिखाते हैं। तो आपका ये रहा 7 का अथवा का आंसर, आपको ये मिल जाएगा। परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान है उससे बहुपरमाणिक आयन कहते हैं, जैसे अमोनिया और आपका सल्फेट आदि। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 8वां, क्या दिया गया है देखिए, इसमें लिखा है गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में शारीरिक प्रक्रिया के कारण अत्यधिक पसीना आता है और इससे जिस क्या है ठंडक मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि बाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह कण हमारे शरीर की देखिए ऊर्जा से प्राप्त करने पर बाष्प में बदल जाते हैं। अब इसके बाद देखिए मिश्र धातु किसे कहते हैं, आपको आंसर में लिख देना है। देखिए दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को यहाँ पे मिश्र धातु कहते हैं, और मिश्र धातु देखिए आपके दो रूप है, इस्पात और पीतल, है ना। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है। क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे 9 नंबर, मिश्रण और यौगिक में आपको दो अंतर पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन 9 का आंसर आपको यहाँ पे मिश्रण में आपको लिखने देना है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना किसी रासायनिक क्रिया के द्वारा निर्माण होते हैं, और इसमें आपको दूसरा पॉइंट, इसमें घटकों का गुण विद्यमान होते हैं और इधर आपका यौगिक क्या लिखा हुआ है। तो ये देख लो, आपको इसे अच्छे से करना है, अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन 9 का अथवा देखिए तत्व और यौगिक में अंतर पूछा गया है। तो आपको आंसर यहाँ पे तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं जबकि यौगिक आपके विभिन्न प्रकार के परमाणु तत्व से मिलकर बने होते हैं। और देखिए तत्व क्या होता है, विभाजित कर कोई तत्व प्राप्त नहीं करता है जबकि आप यौगिक देखिए आपको प्राप्त करता है। क्वेश्चन देखिए आपको जो 10वां दिया गया है, कोलाइडी विलयन के आपको दो गुण पूछा गया है और साथ में सांता को आपको देखिए परिभाषित करने के लिए पूछा गया है। तो आंसर देखिए क्वेश्चन 10 का आंसर आपको यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर, देखिए ये आपका विषमांगी होते हैं और कोलाइडी कण धनावेशित और ऋणावेशित हो सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर मिल गया, कोलाइडी विलयन के दो गुण। सांता को परिभाषा देखिए, रसायन विज्ञान में किसी विलयन की सांता उस विलयन के आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन आपका जो 11वां है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। इसके अलावा देखिए आपके क्वेश्चन आपका 17वां दिया गया है और आगे आपका क्वेश्चन देखेंगे आप इधर, ये देखिए आपके क्वेश्चन 18वां आपको मिल जाएगा। ठीक है, 18वां, 19वां आपका ये क्वेश्चन, आपका पूरा 23 तक क्वेश्चन, इनका जो आंसर है ना आपको यहाँ पे आपको नेक्स्ट आपको वीडियो में प्रोवाइड करेंगे पार्ट टू में, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है और हमारे यहाँ के जो प्यारे रसगुल्ले हैं ना इन्हें थोड़ा सा आराम से पढ़ाना है क्योंकि आप ज़्यादा लोड लेंगे ना तो तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको सिंपल सी बात है, जीत मिडिल क्लास सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए दिल से मेहनत करते हैं। क्लास 8 में आपने देखा है, क्लास 7th में अगर आपने रहा होगा तो हमने आपकी पूरी मदद की है। आप क्लास 9th की बारी है, फटाफट यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना, आपको आने वाले सेकेंड पार्ट में बेहतरीन तरीके से एक ही वीडियो पर कंप्लीट आंसर आपको देने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।